कैमलिन की नूवेल पेंसिल का, तो ये पेंसिल आपको मार्केट में 25 रुपीज़ की मिल जाएगी। पैकिंग भी नॉर्मल सी है, लेकिन आप बहुत मतलब काफ़ी हद तक काम कर सकते हो। तो आज देखते हैं कि मैंने इसकी काफ़ी चीज़ें ट्राई नहीं करी हैं, मैंने ये 3 डेज़ पहले खरीदी थी, यूज़ मैंने थोड़ी सी करी है। तो लेट्स सी कि आज की वीडियो में मैं थोड़े ट्राई भी करूँगा इस पेंसिल के, मतलब थोड़ा लीड निकाल के वो सब ट्राई करूँगा मैं। तो गाइज आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम चीप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं नहीं, तो देखते हैं कि कैसे हम इसे ड्रॉ कर पाते हैं। मैंने ऑफलाइन स्टोर से परचेज करी थी, बट मैंने उनसे पूछा कि आपके पास मैकेनिकल पेंसिल में कौन सी होगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैमलिन की है। तो मैंने देखा था कि मैंने पहले कैमलिन की क्लिक पेंसिल यूज़ करी है, जो मैक्सिमम आपको 10 रुपीज़ की मिल जाएगी, जो कि बहुत चीप होती है, वो मैंने यूज़ करी है। और ये जो मैं पेंसिल लेके आया हूँ आज, नूवेल कैमलिन नूवेल, ये मेरे को 25 रुपीज़ की पड़ी है, क्योंकि ये स्टील बॉडी है और थोड़ा मतलब इसका जो बाहर का मेटल बॉडी है वो अच्छा है, क्वालिटी उसकी बढ़िया है, तो इसलिए ये वैसी है। और इनसे मैं जो आजकल हाइपररियलिस्टिक ड्राइंग बना रहा हूँ उसकी डिटेलिंग करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आजकल कौन सी हाइपररियलिस्टिक ड्राइंग मैं बना रहा हूँ। ग्रेफाइट से ही बना रहा हूँ। ये है वो ड्राइंग जिसमें मैंने ये वाली मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करा था। तो अगर इसमें ना पूरा मतलब ब्लैंकेट का ना टेक्स्चर है अच्छे से पूरा यहाँ पे, तो वही टेक्सचर बनाने के लिए, थोड़ा बहुत शेडिंग करने के लिए और हल्का हल्का प्रिसाइज शेडिंग करने के लिए, बीच में शेड्स डालने के लिए, एंड इसमें बीच में ये जो डॉट्स हैं ब्लैंकेट के टेक्सचर के, ये डालने के लिए मैंने हर जगह ये पेंसिल का यूज़ किया है। तो ये पेंसिल मतलब मुझे लग रही है वर्थ है 25 रुपीज़ में, वो भी इतनी चीप। एंड ये मैंने पूरा टेक्सचर इसी से बनाया है, एक पेंसिल से मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वो। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं कि कैसी है। ये है गाइस मेरी रिसेंट हाइपररियलिस्टिक ड्राइंग। तो इससे पहले ना मैंने एक ड्राइंग बनाई थी लेपर्ड की, आपने देखी होगी, मैंने एक ना कलर्ड पेंसिल में बनाई थी पहले, अपने चैनल पे डाली भी है, उस पर 1.6K तक के व्यूज़ हैं। उसके बाद मैंने रिसेंटली एक और ड्राइंग बनाई थी जो लेपर्ड की थी, मैंने वो पेस्टल से बनाई थी क्योंकि मेरे पास नए आए थे। तो ये वो ड्राइंग थी जो मैंने पेस्टल से बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी इसमें, ये बहुत हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है, ये मैंने हाइपर रियलिस्टिक करके ही बनाने की कोशिश करी थी, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। तो इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, इसकी वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं वैसे, और अगर हो सके तो मैं बता भी दूंगा कि मैंने किस तरह से ये बनाई थी, इसीलिए इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। और एक ये है हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट जो मैं अभी बना रहा हूँ, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी देखते हैं कि ये मैकेनिकल पेंसिल की क्वालिटी कैसी है। तो गाइस क्वालिटी की बात करें तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि मतलब शेडिंग काफी प्रिसाइज हो सकती है इससे, मतलब हम शेडिंग भी कर सकते हैं। और ये नूवेल कैमलिन नूवेल है 25 रुपीज़, इसके पीछे छोटा सा इरेजर भी होता है पतला सा, ये मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी उस वाली ड्रॉइंग में, मैंने दिखाई आपको अभी। और मतलब ये इरेजर भी मोनो इरेजर टाइप का ही होता है, अगर आपके मोनो इरेजर नहीं है तो फ्री में एक पीछे मोनो इरेजर टाइप का कुछ मिल रहा है तो यूज कर लेना। बाकी इसे आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज कर नहीं सकते, ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा, बाकी ये बाहर भी आ सकता है, जितना आपको डाल के करना है आप उतना कर सकते हो, मैं तो इतना ही रखा हुआ, इससे ज्यादा निकालूंगा फिर खराब भी हो सकता है। ऐसे अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है पेंसिल में, मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है, मैंने बार बार ये इरेजर को निकाला भी है एक दो बार, लीड मैंने अभी तक चेंज नहीं करी है, लीड मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लीड आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, फंसती तो वैसे नहीं है अगर मैं देखूँ तो, ये देखो नहीं बिल्कुल भी नहीं फंस रही, अभी फिट करके देखते हैं गाइस, क्या पता फिट करने में फंस जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मैं इसे पहले फिट करता हूँ एक बार लीड को, या गाइस हो सकता है ये फिट करने में भी ना अटके तो काफ़ी बढ़िया पेंसिल हो सकती है, आप यूज कर सकते हो। बाकी वरना तो आती है सकुरा की, बाकी सबकी आती है, तो मैं इसमें जल्दी से लीड को फिक्स करता हूँ। ये देखो गाइस मैंने इसमें लीड डाली, आराम से अंदर चली गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई लीड डालने में भी, एंड डिटेलिंग भी मैं इससे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, मैकेनिकल पेंसिल डिटेल के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो ये चीपेस्ट थी उनके पास, तो मैंने कहा मुझे यही दे दो,
ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि चीप पेंसिल से भी हम डिटेल दे सकते हैं, वो भी इतनी सारी डिटेल। ये A4 साइज पे मैं इतनी प्रिसाइज शेडिंग डिटेल कर रहा हूँ, तो टाइम बहुत लग रहा है। 3 डेज हो चुके हैं, मैं अभी तक ये कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, और कम से कम मुझे 7 to 8 आवर्स हो चुके हैं इसको बनाते बनाते टोटल अगर मैं लगाऊँ तो। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ब्लैंकेट का टेक्सचर जो है ना, वो भी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा। मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, आपको बता दिया था पहले ही, तो कोई बात नहीं। ये मैं आपको इसका मेन बताना था कि ये शेडिंग कैसे करता है। तो गाइज इसको एक बार ना मैं आपको ट्राई करके भी दिखा देता हूँ पेपर के ऊपर। तो गाइज आपको ये पेपर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो कि ये कितनी मतलब प्रीसाइज शेडिंग दे सकता है। ये है मेरे हाथ में यही वाली पेंसिल, ठीक है, मैं इससे अब आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये अच्छा मतलब शेड कर लेती है, और डिटेल भी मतलब काफ़ी बढ़िया मैकेनिकल पेंसिल से हो जाते हैं। थोड़ी यहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ, लाइन्स लाइन्स आपको दिखा दिखा रहा हूँ करके। शेडिंग भी हम इसे कर सकते हैं गाइस, देखो हल्के हल्के हाथ से लाइट लाइट प्रेशर से धीरे धीरे अगर करें ना, बीच में पैचेस नहीं आएंगे गाइस। हम कर सकते हैं इससे भी शेडिंग। तो गाइस हम बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू के बारे में। तो ओवरऑल रिव्यू में मुझे इतनी बुरी नहीं लगी है, और मतलब काफ़ी बढ़िया पेंसिल है। 25 रुपीज़ में सही डील है, बाकी वरना इसकी ना जो 10 रुपीज़ की क्लिक वाली पेंसिल होती है उससे क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि ये मेटल बॉडी है। पैकेजिंग तो ऐसे ही आती है जैसे नॉर्मल आते हैं छोटी मोटी चीप पेंसिल्स। काफ़ी बढ़िया मतलब चीप पेंसिल है, तो इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेकार क्वालिटी की होगी, या बहुत अंडररेट किया जाता है चीप क्वालिटी की मैकेनिकल पेंसिल को कि हम इसे बस राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसे ड्राइंग के लिए भी काफ़ी प्रिसाइज डिटेल कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 0.5 mm है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपको किसी बहुत लो कॉस्ट में मेटल बॉडी अच्छी क्वालिटी की बॉडी की पेंसिल चाहिए तो आप ये ले सकते हो। बाकी अगर आपको इससे भी चीप चाहिए तो आप कैमलिन क्लिक ले सकते हो, वो ओनली 10 रुपीज़ की पेंसिल होती है, तो वो ले लो या ये ले लो। और या तो अगर आपको थोड़ी बजट अगर आपका है तो आप एक काम करना, थोड़े पैसे लगा के ना सकुरा की मैकेनिकल पेंसिल लेना, वो बहुत बढ़िया पेंसिल है, तो वो तो अच्छी होती है। लेकिन ये अगर आपके पास बजट अभी नहीं है, कम है, तो ये वाली लेना या कैमलिन क्लिक लेना, काफ़ी बढ़िया मतलब उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, लेकिन आप काम इससे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया है ड्राइंग, तो कर सकते हो, है ठीक ठाक क्वालिटी है, तो आप कर सकते हो काम। तो गाइज यही था आज की वीडियो में, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय गाइज।